समाज तो 2016 से पहले और भी समाज मतलब हम लोगों के प्रति भावना गलत रखता जा रहा था, लेकिन जो विकलांग शब्द को हटाकर जो दिव्यांग शब्द बनाया गया और जो हम लोगों का जो कानून लाया गया, तो इसके भी हम लोग कुछ बात करते हैं लोगों से तो लोग समझते हैं। पहले अपने घर से ही दुख झेलना पड़ जाता है, जैसे कोई कह देता है, जैसे मान लीजिए कोई अंधरा भी कह सकता है, कोई लंगड़ा भी कह सकता है, इस तरह का भी भाषा बहुत पहले से मतलब लोग कह दिया करते थे। लेकिन इस पर भी धीरे धीरे सुधार चल रहा है सर, कि अभी इस तरह का लोग नहीं करते हैं, और जो है कि मतलब अपने हिसाब से हम लोग भी जितना हम लोगों को नॉलेज रहता है हम लोग भी समझाते हैं कि मान लीजिए अगर दिव्यांग को अगर आप दिव्यांग अगर बोलेंगे तो मान लीजिए कहाँ से ये सोच लिए कि अगर आप दिव्यांग हो आपको कोई उस तरह बोले दिव्यांगता प्रयोग करके तो आपको कैसा लगेगा। इस तरह का हम लोग समाज को मतलब एक जानकारी देते हैं। जी सर, और आप दूसरी सर बात जिस तरीके से आपने बताया, तो कभी कुछ ऐसा कोई ऐसी घटना जो आपके दिल को मतलब बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई हो, किसी ने आपको इस तरीके से कुछ ऐसा बिहेव किया हो, ऐसे मुझे मैं पूछना नहीं चाहता, बट मैं सिर्फ आपके मन के अंदर एक झांकने की हमारी बिल्कुल पहल है, मुझे मुझे हाँ आप सर कंफर्टेबल हो मुझे तो बहुत प्लीज़ अच्छा हमारे लग साथ रहा है शेयर पूछने करें। में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप पूछ रहे हैं। तो जब मेरी शादी हो रही हुई थी तो 24 दिसंबर 2018 को, तो जब एक आदमी हमारे गांव में मिला तो ऐसे आदमी था कि मतलब वो किसी का भी इंसल्ट कर सकता है, किसी का भी मजाक उड़ा सकता है। तो आदमी ने कहा कि अरे दुनिया में, मैं उस अपने भाषा में बोला, कहा कि मैं जो मतलब ऐसे अनहरेक शादी इतना बढ़िया हो रहा है, तो हमको ये बात बहुत दिल में मतलब लगा था। तो ऐसे इंसान मतलब कहीं कहीं मिल जाते हैं। उसको अजीब हो रहा था कि मतलब इतना अच्छा मतलब मेरा पर्सनालिटी है और मतलब मुझे दिखता नहीं है, और उसके बाद भी मतलब मेरा शादी कैसे हो जा रहा है, और हमारी पत्नी मतलब 65% दिव्यांग है पैर से, देखो अब इसी को कहेंगे सर, तो चिमेरा वो है। इंसान दिव्यांग था जिसको आपका हुनर नहीं दिखा, आपका हुनर ना देख हाँ पाना बिल्कुल उसकी बिल्कुल उसकी बिल्कुल हाँ दिव्यांगता कही बिल्कुल जाएगी। ये बात बिल्कुल तत्वर्षत मतलब अगर सही माना जाएगा कि अगर वो वो बिल्कुल दिव्यांग नहीं असली दिव्यांग होता होता, तो वो इस असली बात को समझ दिव्यांग पाता कि आपके किस हुनर को देख करके एक परिवार ने अपनी बच्ची होता। आपके साथ जोड़ी, आपके साथ रिश्ता किया, तो शायद वो बहुत बड़ा दिव्यांग था, मानसिक दिव्यांग था, और हम उम्मीद करेंगे कि उसका कार्ड हम जरूर बनवाएं। नहीं बढ़ गया है भाई, ऐसे में उसका भैया ये हो गया ना कि वो समझ लीजिए कि उसके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लग गए थे कि वो आदमी पूरा समझ लीजिए उसको पुलिस वाले लाठीचार्ज करके मार के हाथ पैर पूरा नाकाम कर दिए हैं। वो सांसा समझ लिया बोल रहा कि मैं कब चला जाऊं, हालत अच्छा तो बहुत अच्छा खराब उसकी, चलिए, ये भी बात सत्य है। ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे। हम लोग के साथ में कृष्णा जी भी जुड़े हुए हैं, कृष्णा जी से हम अनुरोध करेंगे, कृष्णा जी आप भी अपने बारे में बताएं और आप किस तरह की दिव्यांगता से परेशान हैं और किस तरह की लाइफ आप जी रहे हो, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको।